जैसा कि मेरी चीज भी सुनाई देता हूँ उसमें एक अगर मेरा शौक भी पूरा हो जाता है क्योंकि मुझे जाने के लिए कोई नहीं बताता तो कह रहे हैं कि एक बजे तक निपटाना है सबको। दाढ़ी वाले साहब आप आ गए बाहर थे, मैंने एक उनके लिए सुना दूं। चीफ साहब आप बाहर गए थे, मैंने आपके लिए एक गजल सुनाई थी। एक और, एक और कहते हैं आदम की एक लर्ज शफा काम कर गई, ऐसा किया गुनाह कि दुनिया सवर गई, और महफिल से उठ के वो गए तो छोड़ने नजर गई, बल्कि कुछ इस तरह के कयामत गुजर गई, और कमरे से उठ के जब कोई बाहर न जा सका, बात किस तरह से इधर से उधर गई, और कमरे में कोई और न था आपके सिवा, मौलाना साहब कमरे में कोई और न था आपके सिवा, मौलाना ढूंढिए मेरी बोतल किधर गई। बेवजह कम नहीं कमर में मेरी कमर, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। एक पुराना इंडियन गाना है जो मैं कहूँगा पुराना तो सब लोग कहेंगे ऐसे हमसे पहले का होगा, इतना पुराना नहीं है। उसमें एक साहब साइकिल पे जा रहे होते हैं और पुलिस वाला उनको रोकता है। अब उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो कहते हैं, एक साहब जा रहे होते हैं, पुलिस वाला उसको आवाज़ देता है, हे रुक जाओ। वो कहता है, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। पुलिस वाला देखता है पागल हो गया क्या हो गया इसको, सीटी बजाता है, सीटी बजाता है तो वो कहता है, तो जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, वो साज न दो। पुलिस वाला पकड़ लेता है उसको, पकड़ते है कहता है तुम्हारी साइकिल में रोशनी नहीं है। कहता है, रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने। कहता चल मुझे भूल गए थे, मैं यहाँ खड़ा होऊंगा। कहता तुमको भूला भी नहीं लाख बुलाया मैंने। कहता पागल सा आदमी, कहता जाओ तू नहीं जाता। कहता भाई जाओ तू नहीं जाता। पुलिस वाला खुद ही एक साइड में हो जाता है पीछे को, जाए जाए छोड़े। ये मुड़ के देखता है कोई नजर नहीं आता तो कहता है, छुप गए हो तो मुझे याद भी आया न करो। कहते हैं, हम उनको लाए राह पर मजाक ही मजाक में, बने फिर उनके हम सफर मजाक ही मजाक में, बड़े रहे फिर उनके घर मजाक ही मजाक में, मजे से हो गई बसर मजाक ही मजाक में। आपने देखा होगा मर्द हज़रात खवातीन हज़रात चश्मे के साथ रस्सी बांध के रखते हैं। जनाब अब ठीक है, बहुत से लोगों ने चश्मे पे रस्सी बांध रखी होती है तो उसके बारे में एक रोज हमसे कहने लगी है, गुल बदन ऐनक से बांध रखी है क्यों आपने रसन, मिलता है क्या इसी से ये अंदाज़ो फिक्रो फन। हमने कहा कि ऐसा नहीं है जनाब मन, बैठे जहाँ हसीन हो कुछ बज़्म आम में, रखते हैं हम निगाहों को अपनी लगाम में। एक शब हमारे बज़्म में जूते जो खो गए, मेज़बान से हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे, कहने लगे यूं ही शेर सुनाते जाइए,
इतने आएंगे गिने भी ना जाएंगे। अच्छा एक पंजाबी की गजलें पता नहीं जो आपको सुनने तो आएगी नहीं, मुश्किल है पंजाबी। दो पंजाबी भी थोड़ा मुश्किल है। अच्छा सुने फिर, बैठ कर चौबारे पर ठंडी आए भरता है, बैठ कर चौबारे पर ठंडी आए भरता है, तुमसे लाभ चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने के रीजन है, लड़कियों को लड़कों के ताड़ने के रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास खाता है। मुंडे छुंडे मुझको चाया चाचा ताया कह ले कोई बात नहीं, उसका असर को लाला कहना बहुत बड़ा लगता है। और मैं अल्लाह देता हूँ वो अल्लाह रखी है, मेरे वास्ते ही अल्लाह ने रखी है। जमाना हमसे मसावात के सबक सीखे, जमाना हमसे मसावात के सबक सीखे, यहाँ पर छोटा बड़ा फर्स्ट और लास्ट नहीं, वो रानी के महत रानी सभी बराबर है, निगाह इश्क में कोई फजूल कास्ट नहीं। एक साहब एमबीए करके आए, बहुत खुश थे, और आके कहने लगे जनाब मैंने एमबीए कर लिया मार्केटिंग में। तो पूछा अच्छा अब क्या होगा, कह लगे एक्सपीरियंस तो पहले ही था, कह रहे वो कैसे, कह रहे एमबीए कर लिया मैंने और मार्केटिंग में आ गया मुझको ये कमाल, एमबीए कर लिया मैंने मार्केटिंग में आ गया मुझको ये कमाल, कोई ग्राहक लौट जाए ये तो मुमकिन ही नहीं, उनको ज़रूरत टॉयलेट पेपर की थी मैंने बेच दिया उसके बदले एक बार। कहाँ से लाऊं मैं शादी के वास्ते, लड़की कहाँ से लाऊं मैं शादी के वास्ते, शायद केस में मेरे मुकद्दर का दोष है। अजरा नसीम कौसर और तस्दीन भी गई, एक शम्मा रह गई थी सो वो भी खामोश है। उसने कहा कि तुम ऐसी बात जुबान पे लाए क्यों, मैंने कहा कि आपने रोक लिया है क्यों हमें, उसने कहा कि ऐसी बात जुबान पे लाए क्यों, तुम तो हो सिर्फ आदमी और हम हैं पुलिस के आदमी, बैठे हैं राह गुजर पे कोई यहां से जाए क्यों।